हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ वेदम आयुर्वेदिक की तरफ से रोज़ फेस टोनर, जो आपकी स्किन को सॉफ्ट ही नहीं एक नेचुरल एंड हेल्दी ग्लो भी देता है। सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ दैट दिस वीडियो इज़ इन कोलेबोरेशन विद वेदम आयुर्वेदिक एंड मेक श्योर टू चेक देयर प्रोडक्ट्स टू लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दे ऑफर बेस्ट ऑर्गेनिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स अंडर योर बजट। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि रोज़ टोनर हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, हमारी स्किन को हेल्दी ग्लो भी देता है, हमारी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है। बट इसके मैं कुछ आपको अलग से एडवांटेज बताना चाहती हूँ आज, जो मैंने खुद ने ऑब्जर्व करे हैं आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रोडक्ट। वेदम रोज़ टोनर हमारी स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करके रखता है और साथ में एक्सेस ऑयल भी कंट्रोल करता है। इसमें कई एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और साथ में हमारे रिंकल्स को भी मिनिमाइज करता है आफ्टर रेगुलर यूज़। साथ ही साथ ये आपकी एक्सेस सीबम प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है और साथ ही में इसकी बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है एज़ कम्पेयर टू अनदर प्रोडक्ट्स। एंड आप इस टोनर को अपनी अंडर आइज़ की पफिनेस को रिमूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे 3 to 4 hours रेफ्रिजरेट कर दें वेदम टोनर को, उसके बाद आप कॉटन पैड में इस टोनर को लें और अपनी आइज़ के ऊपर रख के 5 to 10 minutes रेस्ट कर लीजिए। उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी जितनी पफिनेस थी वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है। आप इस टोनर को एज अ नेचुरल फेस मिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है इन दिनों में, तो आप मॉइस्चराइज़र के साथ इस वेदम टोनर को ऐड करके अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपकी स्किन ऑलमोस्ट हाइड्रेटेड रहेगी। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं ना, आपके सनबर्न्स हो जाते हैं, तो आप इसे तब भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आइस ट्रे में भर के रख दीजिए, जब वो आइस क्यूब्स बन जाएंगे आप उसे डायरेक्ट अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपके सनबर्न सूत हो जाएंगे। साथ में अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई एंड फ्रिजी रहते हैं, तो उसका भी सोल्यूशन ऑल इन वन इसी टोनर में है। आप इस टोनर को आफ्टर शैम्पू एंड कंडीशनिंग इसे यूज़ कर सकते हैं। आप अपने बालों में स्प्रे कर सकते हैं इसे एंड अच्छे से इसको अप्लाई करके आप छोड़ सकते हैं। इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड सिल्की भी हो जाएंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वेदम टोनर एंड इट्स यूजेस, कि आप इस रोज टोनर को कैसे इफेक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसका सेकेंड पार्ट भी चाहिए, सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।